हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 12 धमनी में हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। उस क्लास में हम धमनी से रिलेटेड कुछ टॉपिक की चर्चा कर ली थी और बाकी जो टॉपिक शेष बच रहे थे उन टॉपिक की चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पहला, वो है विभिन्न माध्यमों में धमनी की चाल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि धमनी के लिए किसी न किसी माध्यम की क्या होती है, जरूरत होती है। यानी धमनी के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। निर्वात में कभी भी धमनी का संचरण नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न माध्यमों में धमनी की चाल कितनी होती है, ठीक है। जैसे ठोस में कितनी होती है, द्रव में कितनी होती है, गैस में कितनी होती है, वो अंतर कैसे पाया जाता है। तो धमनी की चाल पदार्थ यानी माध्यम के गुणों पर क्या करती है, निर्भर करती है। जिसमें वह क्या होती है, संचरित होती है। जिस माध्यम में धमनी संचरित हो रही है उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। यह गैसों में सबसे कम, द्रवों में ज्यादा तथा ठोसों में क्या होती है, सबसे तेज होती है। यानी कि धमनी की चाल ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किसमें होती है, गैस में, ठीक है। अगला बिंदु लिखा गया है कि जो धमनी की चाल है वो तापमान बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। यानी तापमान ज्यादा होगा तो धमनी की चाल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला, हवा में आर्द्रता नमी बढ़ने के साथ धमनी की चाल क्या होती है, बढ़ती है। यानी धमनी की चाल मुख्यतः दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तापमान पर। यदि तापमान ज्यादा होगा तो धमनी की चाल भी ज्यादा होगी। दूसरा, हवा में आर्द्रता नमी, यदि नमी ज्यादा होगी तो धमनी की चाल भी ज्यादा होगी। प्रकाश की चाल धमनी की चाल से क्या है, तेज है। इसीलिए आकाश में बिजली की चमक गर्जन से पहले क्या होती है, दिखाई देती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जब वर्षा के समय आसमान में बिजली कड़क रही होती है तो पहले बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई देगी या उसके चमकने की जो उजाला है वो पहले दिखाई देगा। तो हम कहेंगे कि बिजली के जो चमकने का प्रकाश है वो पहले धरती पर पहुंचेगा, क्योंकि प्रकाश की चाल धमनी की तुलना में ज्यादा होती है। इसी कारण से पहले में प्रकाश दिखाई देगा और उसके बाद उसके कड़कने की आवाज सुनाई देगी। वायु में धमनी की चाल 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकंड होती है। कब, 22 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर हमारे सामने कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिसमें अलग अलग पदार्थों में धमनी की चाल को दर्शाया गया है। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। जैसे कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे बात करें ठोस की, तो ठोस में एल्यूमिनियम में धमनी की जो चाल है वो 6420 मीटर पर सेकंड है, सबसे फास्ट ठोस पदार्थों में। ये आपको याद रखना है एक। फिर बात करें निकेल में तो 6040 मीटर पर सेकंड, स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड, लोहा में 5950 पर सेकंड, पीतल में 4700 पर सेकंड और कांच में 3980 पर सेकंड। फिर बात करें द्रव की, तो समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड, आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकंड, एथेनॉल में 1207 मीटर पर सेकंड, मिथेनॉल में 1103 मीटर पर सेकंड। इसी तरह गैस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकंड, फिर हीलियम में 965 मीटर पर सेकंड, फिर वायु में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 346 या 344 मीटर पर सेकंड, फिर ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकंड। ये अलग अलग माध्यमों में धमनी की क्या है, चाल है, स्पीड है, ठीक है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि धमनी की चाल ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। साथ ही साथ तापमान और आर्द्रता के बढ़ने पर धमनी की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है और धमनी की चाल प्रकाश की तुलना में कम होती है। ये बातें आपको याद रखनी है, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला है धमनी बूम। धमनी बूम क्या होता है, तो देखें इसमें एक शब्द दिया हुआ है, प्रघाती तरंगे। कौन सी तरंगे, प्रघाती तरंगे। देखो क्या होती है, कुछ वायुयान, गोलियां और रॉकेट आदि प्राध्वनिक चाल से क्या होते हैं, चलते हैं। प्राध्वनिक का तात्पर्य वस्तु की उच्च स्पीड या चाल से है जो धमनी की चाल से क्या होती है, तेज होती है। कुछ वायुयान, गोलियां और रॉकेट होते हैं ना, जो
कौन से चालक चलते हैं? प्राध्वनि की स्पीड से चलते हैं। प्राध्वनि की स्पीड का मतलब है कि उसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से क्या होती है, फास्ट होती है। ये वायु में बहुत तेज क्या करते हैं, आवाज पैदा करते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ही प्रघाती तरंगे कहते हैं। आपने सुना होगा जब आसमान में हवाई जहाज या कभी कभार है ना वायुयान वगैरह गुजरते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो उनकी स्पीड है ना, उसकी स्पीड जो चाल है उन वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, फास्ट होती है। इसी कारण से वो वायु में बहुत तेज आवाज पैदा करते हैं। उस प्रकार की आवाज या ध्वनि को क्या कहते हैं, प्राध्वनि तरंगे कहते हैं। ध्वनि बूम प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्फोट क्या है, शोर है। तो इन प्राध्वनि तरंगों के द्वारा जो हद से ज्यादा आवाज उत्पन्न की जाती है उस शोर को क्या कहते हैं, उस शोर को कहते हैं ध्वनि बूम कहते हैं। यह जबरदस्त ध्वनि ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जिससे खिड़कियों के कभी कभार शीशे भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो यह था ध्वनि बूम। ये ध्वनि बूम कुछ इस तरह बनता है। देखो जब ये वायुयान वगैरह गुजरता है तो ये क्या होती है, इसका ध्वनि है उसकी आकृति यानी उसका जो आकार है वो बढ़ता जाता है, यानी ध्वनि के गरजने की जो आवाज है वो क्या होती है, एक बूम के रूप में आगे फैलती जाती है। उसकी जो आवाज है गरजना है वो इतनी तेज होती है कि कभी कभार मकानों की जो खिड़कियां होती है उनकी खिड़कियां या शीशे के जो कांच है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें ध्वनि का परावर्तन, है ना। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन आप सब जानते होंगे कि ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। तो प्रकाश की तरह, जिस तरह आपने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा होगा, ठीक उसी तरह प्रकाश की तरह ध्वनि भी जब किसी कठोर सतह से टकराती है तब टकराने के बाद क्या होती है, वापस लौटती है, और इसे क्या कहते हैं, इसे ही ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी ध्वनि भी प्रकाश की तरह किसी कठोर सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अब ध्वनि भी परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के नियमों का क्या करती है, पालन करती है। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक उसी तरह ध्वनि भी उन परावर्तन के नियमों का अच्छी तरह पालन करती है। पहला नियम क्या है, आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग और आपतन बिंदु पर, आयतन बिंदु नहीं है आपतन, ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या धरातल में मौजूद होते हैं। दूसरा, ध्वनि का जो आपतन कोण है वो हमेशा ध्वनि के परावर्तन कोण यानी आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है आर। ये ध्वनि के परावर्तन के दो नियम हैं, जैसा आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर देखो ये क्या है, अभिलंब है, ये आपतित ध्वनि किरण है, ठीक है, या ध्वनि तरंग है, सॉरी किरण लिखा हुआ है, ये मैंने प्रकाश का उदाहरण दिया हुआ है। यहां पर आप कहेंगे आपतित ध्वनि तरंग है, यहां पर ये कठोर सतह है, यहाँ पर जो दर्पण लिखा हुआ है इसकी जगह कोई भी आप सतह ले सकते हैं जो कैसी है, कठोर है। यहां से टकराने के बाद ये ध्वनि तरंग जिस तरह परावर्तित किरण लौटती है, ठीक उसी तरह यहां पर कौन सी किरण लौटेगी, सॉरी कौन सी तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग लौटेगी। तो जिस तरह ये प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक इसी नियम का पालन कौन करती है, ठीक इसी तरह नियम का पालन करती है ध्वनि भी। ठीक है, जैसे देखो यहां पर ये नीचे मैंने अलग से भी बताया है, ये घड़ी है, ठीक है, ये एक गत्ते का ट्यूब है, तो जब घड़ी से आवाज उत्पन्न होगी तो ये कौन सी होगी, आपतित ध्वनि तरंग। फिर ये लकड़ी का तख्ता जो कि कठोर सतह है, इसे टकराने के बाद ये वापस इसी गत्ते से होकर क्या होगी, परावर्तित होगी। और ये क्या है, ये लकड़ी का तख्ता है जो अभिलंब का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आपतित ध्वनि तरंग, अभिलंब और परावर्तित ध्वनि तरंग तीनों एक ही तल में मौजूद है, और यहाँ पर ये जो बनने वाला आपतन कोण है और ये बनने वाला परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जो चमगादड़ है वो इन्हीं जो प्राध्वनि तरंगे होती है उन प्राध्वनि तरंगों का उपयोग करके ही क्या करता है, अपने शिकार को ग्रहण करता है, या अपने शिकार का क्या करता है, शिकार करता है, अपने किसी भी जीव का क्या करता है, शिकार करता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्वनि के परावर्तन के उपयोग क्या है। तो देखे मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरही और शहनाई आदि सारे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं, इससे काफी दूर तक ध्वनि क्या होती है, सुनाई देती है। इन सभी यंत्रों में शंक्वाकार भाग ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके क्या करता है, श्रोताओं की ओर भेजता है। ये जो आपने अभी ऊपर नाम देखे,
जैसे मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरही, शहनाई, इनकी देखो आकृति, विशेष आकृति बनाई जाती है ना। ये विशेष आकृति क्यों बनाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ से ध्वनि गुजरेगी तो बार बार इस कठोर सतह से क्या होगी, परावर्तित होगी, और कठोर सतह से परावर्तित होने के बाद ये क्या होगी, बहुत दूर तक क्या होगी, आगे सुनाई देगी अपने श्रोताओं की ओर। इस प्रकार ध्वनि तरंगों का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की क्या होती है, प्रबलता बढ़ जाती है, और ध्वनि की जब प्रबलता बढ़ाई देगी तो प्रबलता बढ़ने के कारण काफी दूर तक वो ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, जैसे ये कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। आगे बात करें प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि का पुनः दोहराव हमें दोबारा सुनाई देती है, उसे क्या करते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कभी कभार आप किसी एक बड़े हॉल में खड़े हो और आप आवाज करते हो तो आवाज टकराने के बाद आपको पुनः सुनाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे साधारण भाषा में इको कहते हैं, है ना, इको साउंड, यानी ध्वनि कहीं से टकरा के मैं वापस अपने कानों तक पहुंचती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितना 0.1 सेकंड का क्या हो, समय अंतराल हो। यानी हमें प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है जब हमारी जो मूल ध्वनि है, मूल्य ध्वनि नहीं है, ये मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि मतलब जो हमने आवाज निकाली थी, उस आवाज और जो प्रतिध्वनि है जो वहां से टकरा के लौट रही है उसके बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। प्रतिध्वनि जब पैदा होती है, जब ध्वनि किसी कठोर सतह से क्या होती है, परावर्तित होती है, यानी उसे टकरा के पुनः वापस लौटती है, मुलायम सतह ध्वनि को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, इस कारण वहां पर हमें प्रतिध्वनि की आवाज सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो किसी भी ध्वनि तरंग का परावर्तन के कारण किसी कठोर सतह से टकरा कर हमें पुनः सुनाई देना क्या कहलाता है, तो प्रतिध्वनि कहलाता है। जैसे देखो ये बालक है, ये चिल्ला रहा है, आगे कोई सामने कठोर दीवार है तो उससे टकरा के अगर ध्वनि वापस इसके पास पहुंच रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि कहेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा चित्र और दिया हुआ है, देखो ये स्पीकर से आने वाली आवाज है, ये कौन सी होगी, ये आपतित ध्वनि तरंग है, ये कठोर सतह से टकराएगी और ये कौन सी होगी, ये परावर्तित ध्वनि तरंग होगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि कहेंगे। अगला है अनुरणन। अनुरणन क्या होता है, देखो किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत या फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का क्या हो जाता है, स्थायित्व, यानी ध्वनि उसी अवस्था में बने रहती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अनुरणन कहला जाता है। जब किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत या फर्श से बार बार ध्वनि का क्या होता है, परावर्तन होता है, तो धीरे धीरे उसका स्थायित्व हो जाता है, यानी अपने वो मूल रूप में बने रहने की कोशिश कर लेती है या अपने मूल रूप में वापस लौट आती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुरणन। अगर ये स्थायित्व काफी लंबा हो तब ध्वनि धुंधली, विकृत अथवा क्या हो जाती है, भ्रामक हो जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण किसी बड़े हॉल या सभागार में अनुरणन को कम करने के तरीके, है ना। जैसे देखो ये कोई उदाहरण दिया हुआ है, जैसे बड़े बड़े सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं ना, वहां पर क्या होता है, ये जो साउंड निकलती है वो साउंड बार बार क्या होती है, सतह से टकराती है, यानी उसका बार बार क्या होता है, परावर्तन होता है। इसी कारण से जो सम्मेलन कक्ष होते हैं, बड़े बड़े हॉल जहां पर मीटिंग्स होती है, उनकी सतह कैसे बनाई जाती है, वक्राकार बनाई जाती है। ठीक है, और वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, ध्वनि पट्ट का उपयोग किया जाता है ताकि कम से कम परावर्तन हो। तो सभा भवन की सतह अथवा दीवारों पर संपीड़ित फाइबर बोर्ड से बड़े पैनल ध्वनि का अवशोषण करने के लिए लगाए जाते हैं, बड़े बड़े फाइबर के पैनल लगाए जाते हैं, जिससे क्या हो, जिससे प्रतिध्वनि सुनाई न दे, यानी अनुरणन कम से कम हो। खिड़की दरवाजों पर भारी पर्दे लगाए जाते हैं, फर्श पर कालीन बिछाए जाते हैं, सीट ध्वनि अवशोषक गुण रखने वाले पदार्थों की बनाई जाती है ताकि क्या हो, अनुरणन कम से कम हो और आवाज कम से कम बिगड़े। अगला है प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर क्या है। भाई अभी हमने पढ़ा प्रतिध्वनि और अनुरणन, प्रतिध्वनि में भी क्या हो रहा था, ध्वनि का परावर्तन होके वापस ध्वनि में सुनाई दे रही थी, अनुरणन में भी वही हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है वो समझो। तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि का जो दोहराव होता है, ध्वनि का रिपीटेशन होता है, हमने पुनः वही की वो ध्वनि तो सुनाई देती है, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। भाई अनुरणन क्या होता है, किसी बड़े हॉल में छत, दीवारों और फर्श से ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि के स्थायित्व को क्या कहते हैं, अनुरणन, यानी ध्वनि स्थायी रूप धारण कर लेती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। प्रतिध्वनि एक बड़े खाली हॉल में उत्पन्न होती है,
ध्वनि का बार बार परावर्तन नहीं होता और ध्वनि क्या नहीं होती, ईसाई भी नहीं होती है। लेकिन अनुरणन के कारण ज्यादा लंबा होने पर ध्वनि धुंधली विकृत तो क्या हो जाती है, भ्रामक हो जाती है। ठीक है, जैसे प्रतिध्वनि का जो उदाहरण है वो आपने क्या पढ़ा होगा, स्टेथोस्कोप भी पढ़ा होगा, है ना, जिसमें डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन को सुनता है। देखो भाई लिखा हुआ है स्टेथोस्कोप, यह एक चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में काम आता है। हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बार बार परावर्तित होकर कहां पर पहुंचती है, डॉक्टर के कानों में पहुंचती है। ठीक है, अगला टॉपिक है श्रव्यता का परिसर, यानी कि हम कौन सी लिमिट की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो मनुष्य में श्रव्यता का जो परिसर है, यानी जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं या जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, उस ध्वनि की जो परास है, जो एक रेंज है, वो क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन लेते हैं, जबकि वयस्क मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक की ध्वनि क्या होती है, कानों के सुनने लायक होती है। अगर इससे ज्यादा है तो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसी के आधार पर ध्वनि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कंपन करता हुआ सरल लोलक अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। गेंडे 5 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि से एक दूसरे से क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। इसी तरह हाथी और बहेल मछली भी अपश्रव्य ध्वनि क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। भूकंप प्रघाती तरंगों से पहले अवश्रंग तरंगे पैदा करते हैं, जिससे कुछ जंतु सुनकर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह भौंकने लगते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की तरंगों को महसूस कर सकते हैं और इन्हें पहले से ही भूकंप का क्या हो जाता है, आभास हो जाता है, लेकिन मानव को इनका आभास नहीं हो पाता है। अगला है प्राश्रव्य ध्वनि या प्राध्वनि, ये क्या होती है, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों का प्राश्रव्य ध्वनि या प्राध्वनि कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उन्हें हम प्राश्रव्य ध्वनि या प्राध्वनि कहते हैं। कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़, छिंचूमार तथा चूहे प्राध्वनि सुन सकते हैं। कुत्ते और चूहे प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला है श्रवण सहायक युक्ति, यानी ऐसी कई सारी बाजार में डिवाइसेस उपलब्ध है जो ऐसे लोगों के काम की है जिन्हें सुनाई नहीं देता या कम देता है। तो यह बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एक मशीन होती है जो लोग कान के अंदर लगाते हैं, जो कम सुनने वाले लोगों द्वारा क्या की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। इसमें लगा हुआ माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदल देता है और एम्पलीफायर द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रवर्धित, यानी उन सिग्नल को बढ़ाया जाता है। ये मैग्नीफाइड जो या एम्पलीफाइड जो संकेत है वो युक्ति से स्पीकर को भेजे जाते हैं और वो स्पीकर कहाँ लगा होता है, मानव की कान में लगा होता है। स्पीकर इन प्रवर्तित संकेतों को ध्वनि तरंगों में पुनः बदल कर उसको भेजता है, कान को भेजता है, जिसे हमें साफ सुनाई देता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो ध्वनि है उस ध्वनि को किसमें बदला जाता है, विद्युत संकेतों में, किसमें, विद्युत संकेतों में। फिर कान में क्या लगा होता है, जो स्पीकर, वो स्पीकर क्या करता है, वो स्पीकर उन ध्वनि, वो जो विद्युत संकेत है उनको फिर से किसमें बदलता है, ध्वनि संकेतों में, और ये ध्वनि फिर हमारे कानों के द्वारा सुनाई देती है। ठीक है, अगला है प्राध्वनि के अनुप्रयोग, कितना प्राध्वनि के कहां कहां उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग उद्योगों में धातु के इलाकों में दरारों या अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा उद्योगों में वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार की मशीनें, जहां पर आसानी से सफाई नहीं की जा सकती, वहां पर प्राध्वनि का उपयोग करके सफाई की जाती है। फिर प्राध्वनि का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक अंग जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दा, हृदय की जांच करने में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राध्वनि के कुछ उपयोग थे। आगे बात करें हैं इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है। तो इन तरंगों का उपयोग हृदय की गतिविधियों को दिखाने और उसका प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, ये क्या है, ये भी एक प्रकार की टेक्निक है जो शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनियों द्वारा बनाती है, इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अगली युक्ति है
वो है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ठीक है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जो पानी के नीचे पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए काम में ली जाती है। यानी समुद्र के अंदर पानी के नीचे जो बड़े बड़े पिंड या जहाज चल रहे होते हैं उनकी दूरी, दिशा और स्पीड को मापने के लिए सोनार जो एक प्रकार की युक्ति होती है, डिवाइस होती है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग क्या किया जाता है? देखो वही लिखा हुआ है, समुद्र तल की गहराई मापने। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जल के नीचे चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बी, हिमशैल और डूबे हुए जहाज का पता लगाने में सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी कार्यविधि क्या है, काम कैसे करता है? तो सोनार में एक प्रेषित और एक क्या होता है, संसूचक, जो जहाज की तली में लगे होते हैं। यहां पर देखो चित्र है यहां पर, ठीक है, एक यहां पर देखो ये संसूचक लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, प्रेषित लगा हुआ है। ठीक है, ये पानी की सतह है और ये नाव या जहाज है और ये समुद्र का तल है। ठीक है, ये एक प्रकार की युक्ति होती है सोनार। देखो अब काम कैसे करती है, तो सोनार में एक प्रेषित और एक क्या होता है, संसूचक। प्रेषित क्या करता है, प्राध्वनि तरंगे उत्पन्न करके उन्हें क्या करता है, आगे डिवाइस की ओर प्रेषित करता है, भेजता है। ये तरंगे पानी में चलती है और समुद्र के तल में उन पिंडों से टकराकर परावर्तित होकर संसूचक द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है और विद्युत संकेतों में फिर बदल दी जाती है। वह युक्ति जो प्राध्वनि तरंगों द्वारा जहाज से समुद्र तल तक जाने और वापस जहाज तक आने में लिए गए समय को क्या होती है, नाप लेती है। यानी जो युक्ति होती है सोनार, वो क्या करती है, उन प्राध्वनि तरंगों के और जहाज से समुद्र तक जाने और वापस उस समुद्र में मौजूद उस चीज से टकराने के बाद वापस जो जहाज तक लौटती है उसके समय को नाप लेती है और उसके आधार पर उसकी गहराई का पता लगाती है। इस ध्वनि का आधा समय प्राध्वनि तरंगों द्वारा जहाज से समुद्र तल तक जाने में लिया जाता है। सीधी बात है, जो कुल समय है उसका आधा समय जाने में और आधा समय वापस टकराने में आकर लौटने में लगता है। यदि प्राध्वनि के प्रेषण और संसूचन का समय अंतराल डी है तो समुद्र जल में ध्वनि की चाल वी है, तब तरंग द्वारा तय की दूरी कितनी होगी, 2D होगी। ठीक है, और 2D बराबर क्या होगा, 2D बराबर वी गुणा टी, यानी वेग गुणा समय। और यह विधि प्रतिध्वनि क्या कहलाती है, प्रास कहलाती है। इस प्रकार सोनार की मदद से समुद्र की गहराई या समुद्र में मौजूद अन्य प्रकार के जहाज पनडुब्बियों की स्थिति का पता लगाया जाता है। यह आपके सामने चित्र दिया हुआ है। ठीक है, अगला है टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, वो है मानवकरण की संरचना। तो जो हमारा कान है, कान क्या है, एक संवेदी अंग है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ध्वनि को सुन पाते हैं। जो मानव का कान है वो तीन हिस्सों में बना होता है, एक बाह्य करण, एक मध्य करण और एक अंतकरण। ये आपके सामने चित्र दिया गया है। देखो ये बाह्य करण का हिस्सा है जो हमें आसानी से दिखाई देता है, फिर ये मध्य करण वाला हिस्सा है बीच में, और सबसे अंदर वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता है वो कौन सा है, वो है अंतकरण। अब देखो अलग अलग भाग है, जो सबसे बाहर वाली झिल्ली है ये कर्ण पल्लव है, फिर ये अंदर की ओर जो दिया हुआ है मुग्धरक है, ये निहाई है, वलयक है, अंडा का छिद्र है, ये श्रवण तंत्रिका है, कर्णावरत है, कर्णपट है, श्रवण नलिका है और यूस्टेस्ट की नलिका है। ये अलग अलग मानव करण के भाग है। अब बात करें सबसे पहले बाह्य करण की, तो बाह्य करण को क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं, और ये क्या करता है, ये आसपास के वायुमंडल से ध्वनि को इकट्ठा करने का काम करता है। यह ध्वनि श्रवण नलिका से होकर क्या होती है, गुजरती है और कहां पहुंचती है, मध्य करण तक पहुंचती है। श्रवण नलिका के अंत पर एक पतली लचीली झिल्ली कर्णपटय या कर्णपटय झिल्ली कहलाती है, जिसे साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, साधारण भाषा में हम पर्दा कहते हैं। फिर मध्यकरण, मध्यकरण में क्या होता है, मध्यकरण में तीन हड्डियां होती है, एक मुग्धरक, निहाई और वलयक, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी होती है। मुग्धरक का जो स्वतंत्र हिस्सा है वो कर्णपट से और वलयक का अंतःकरण के अंडाकार छिद्र की झिल्ली से जुड़ा होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर हमारा अंतिम भाग होता है, वो होता है अंतःकरण। अंतःकरण में एक मुड़ी हुई नलिका क्या होती है, कर्णावृत होती है, जो अंडाकार छिद्र से जुड़ी होती है। कर्णावृत के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसमें तंत्रिका कोशिका होती है, और कर्णावृत का जो दूसरा सिरा है वो श्रवण तंत्रिका से जुड़ा होता है,
जो कहाँ जाती है, मस्तिष्क को जाती है और उस ध्वनि का हमें आभास कराती है। ठीक है, तो ये था मानव करण। तो इस प्रकार हमारा जो अध्याय 12 था वो आज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार के नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स और दूसरी चीजें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।